सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर श्री बलिदान शलके दुर्गा शिववाच देवितं भक्त सलवे सर्वकार्य विधायने कलाहि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रह्मयत्नतः देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कला सर्वेषु साधनम् मया तवैव स्नेहेन प्यम्ब स्थितिः प्रकाश्यते अस्य श्री दुर्गा सप्तशलोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणऋषेः अनष्टवशन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तशलोके दुर्गा पाठे विनियोगः चेतांसि देवी भगवती हिता बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हरिशिभेतिमिशयन्तः स्वस्तिः स्मिता पतिवतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखमयहारिणीकान्वदन्या सर्वापकारकरणाय सदा प्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भैरवसायिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते रोगानशेषाणपहासिदश्च दृष्टादुकामान् सकलानमेष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ते सुभावाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गास्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शरश्वकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति ॐ सती सा प्रीता भवानी भवाचने आया दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्राशूलधारणे पिनाकधारणे चित्रचण्डघण्टा महाधवा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपाचिताशिते सर्वमन्त्रमयि सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणे अनन्ता भाव्यने भव्या 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 सदा गते श्यामवे देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या रक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशने अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावते
పట్టాంబర పరిధాన కల మంజీర రంజనే అవనేయ విక్రమక్రూర సుందరేశ్వర సుందరే మన దుర్గాశ మతంగే మతంగ ముని పూజిత రామే మహేశ్వరి చందే కౌమారే వైష్ణవే తథా చాముండా చైవ వారాయే లక్ష్మీ చ పురుషాకృతే విమలోచకర్షణి జ్ఞాన క్రియా నిత్యా చ బుద్ధిద రహుల బహుల ప్రేమ సర్వవాహన వాహన నిశంభ శంభాననే మహిషాసురమర్ధనే మధుకర్ణవహంతే చ ఖండమండ వినాశనే సర్వాసుర వినాశాచ సర్వదానవఘాతనే సర్వశాస్త్రమయే సత్య సర్వాశ్రధారణీ తదా అనేక శస్త్రహస్తాచ అనేకాస్త్రస్య ధారణే కుమారీ చ కన్యా చ కైశోరీ యువతే అదే అప్రౌఢా చైవ ప్రౌఢా చ వృద్ధమాతా వరప్రద మహాధరే ముక్తకేశే ఘోరూప మహామల అగ్నిజ్వాలారౌద్రముఖే కాళరాత్రి స్తవశ్వనే నారాయణే భద్రకాళే విష్ణు మాయా జరాధరే శివధూతే కరాళే చ అనంతా పరమేశ్వరే కాత్యాయణే చ సావిత్రే ప్రత్యక్షా బ్రహ్మవాదినే ధ్యాయదంధవరే నిత్యం దుర్గా నామ సదాశక నాసాధ్యం విద్యతే దేవే త్రిషో లోకేషు పార్వతే ధనంధాన్యం సుతంధాయ అయమస్తినమేవ చ చతుర్భుర్గం దాచాంతే లభే ముక్తిం దశాశ్వతే కుమారీం పూజయత్వా ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరే పూజయత్వయా వక్యా మఠే నామ సదాశక సిద్ధిర్వే దేవే సర్వే సుర్వలే లభే రాజానో దాశాంతి రాజ్య శ్యామవాచనాలక్కుంకుమేణ సింధూర కర్పూర మరత్రయణ విజిజ్ఞాధార్యతే పురారి భూమావాస్యామగ్రే చంద్రే శలమిషాంగతే విలక్ష్యాంగదా प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस देव घर के अंदर माँ विभूति की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य को अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होता है, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनके अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन्य मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्य कवच श्रीचंडे कवच ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीज दिगबन्धदेवतास्तत्त श्रीजगदम्बादित्यर्थे सप्तदेवाङ्गत्वेन यपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मारकण्डेरुवाच ॐ यद्गयं ब्रह्मं लोके सर्वरक्षाकर्मिणा यन्न कस्यचिदज्ञातं धर्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यशोकसम्पूर्णं दर्शनश्च महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टे कूष्माण्डेतिशतोऽशकम् पञ्चमं स्कन्दमात्रेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महाकालीति चाष्टम नवमं सिद्धिरात्रे च नवदुर्गा प्रीतिताः भक्तानि सानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादयमानसो चत्वमध्ये गतारणे विषमे दुर्गमे देव मयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् अशवारणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं नये ज्येष्ठ भक्त्या स्मृदानानां तेषां वृत्तिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षते तान् संशयः द्वैतसंसादृतामुण्डा वाराहि महिषासन यन्द्रे कलसमारूढा वैष्णवे गरुडासन माहेश्वरे वृषारूढा कौमारे शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्तालिल्पया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरे वृषभाहना राणी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामातरः सर्वः सर्वजोगसमन्विताः नानाभरणशोभाजा नानारत्नापशोभिताः निर्षन्दरसमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खचक्रं गदां शक्त्यमलं च मुसलायुधं कैटकं दामरं चैव परशुं वासमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च जालङ्गनायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानि त्वं देवानां सहिताय मयि नमस्य सोमहारौद्र महाघोरपराक्रमे महाबले महस्वाहे महाभयविनाशिने राहि मां देवे दशक्षे शत्रूणां वयवर्धने प्राचा रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवत दक्षिणेवधुवाराय नैरृत्यां गर्गधारणे पुरीच्यां वारुणे रक्ष वायव्यां मृगवाहिने पुरीच्यां वाजुकुमारे ऐशान्यां चोरधारणे वर्षं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्तान् वैष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा सर्वाहना
जया मे जागृत पातु विजया पातु निश्चल अयता वाम पार्श्वत दक्षिणे च पराजित जगामद्यतने रक्षेन्मामर्जे व्यवस्थित माला दलिललाटे च भ्रुवा रक्षे यशस्विने गणेन्द्र च भ्रुवर्मध्य यमघण्टाजनाधिक शङ्खने चक्षुर्मध्य श्रोत्रयद्वारवासने कपालकालिका रक्ष गणमौले तु शङ्करे नाशकायां सुगन्ध च उत्तरश्च चर्षिक आदरे चामृतकला देवायां च सरस्वने दन्तालक्षलकुमारे कण्ठदेशे नुचण्डिक घण्टिकाञ्चित्त घण्टा च महामाया च तालुक कामाक्षी च कालक्ष वाचं मे सर्वमङ्गल ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुधरे नीलग्रीवा वहि कण्ठे नलिकां नलकोमरे चन्द्रयोः खड्गने रक्ष बाहु मे वज्रधारणे हस्ते अर्धङ्गने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाशूलेश्वरे रक्ष कुक्षा रक्ष कुलेश्वरे स्तना रक्ष महादेवे मनः शोकविनाशने हृदयलिता देवे उदरे शूलधारणे नाभाचकामिने रक्ष वैयं वैयेश्वरे तथा गोतनाकामि कामेन्द्रं वदे महेशवाहिने वर्यां भगवती रक्ष जानमे विन्दवासिने जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिने गोल्भयार्णालशृङ्गे च पादपृष्ठे तुदयते पादाङ्गुलेशने रक्ष पादादस्तनवासने नकान्दश्चाकराले च केशां देवाद्वकेशने ब्रह्मकौपेश कौवेरे तज वागेश्वरे तथा रक्तमञ्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रेश पित्तं जामकुटेश्वरे पद्मावने पदमकोश कवे चूडामणे तथा ज्वालामुखेन गज्ज्वाला नवेद्यादश शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां यत्रेश्वरे तथा अहङ्कारमनोवर्ध्य रक्षणे धर्मधारणे प्राणापानं तथा व्यानम् उदानं च समानक वचहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्वस्य च योगिने सत्त्वरजस्तमश्चैव रक्ष नारायणे तदा आयो रक्षतु वाराये धर्म रक्षतु वैष्णवे जजाकेतं च लक्ष्मीं च धनमित्यां दशक्रणे भक्तमिन्द्राणि मे रक्ष त्वजोन्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्ष महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षत भैरवे पण्डानां च वदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं गृहस्थानं वर्जितं कवचेन तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशने परमे कन्न कर्षेतु जनेश्वरमात्मनः कश्चन प्रियो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः जयं चिन्तयते कामन्तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्येषु भवेद्वज्यः कवचेनामृतः पुमान् विदान्तोदेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् दुरापदेभ्यतो नित्यं त्रिसन्दर्शत्याजितः देवी कला भवेदस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वर्षशतं जाग्रमपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ते जातयः सर्वे लोका विस्फाटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यच्च अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचराः केचरा चैव जलया च परेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनीतल अन्तरिक्षचरा गौरा डाकिण्य च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षस ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डा भैरवादयः
नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचहृदि संसद मानो न चिर्भवैराग्यस्ते वृद्धेकरं वरम् यशसा वर्धते सापि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तयजेञ्जण्डिं कृत्वा तौ कवचस्वरा यावद्भूमण्डलं दत्त सशैलवनकाननम् यावद्विशरिमेलिन्यां सन्दते पुत्रभौतिके देहं देवानां यस्वरेरविधुर्लभम् प्राप्नोतिपरजानित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन समादते अर्घलस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्घलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्दशे मनुष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतय सप्तदेवानाङ्गत्वेन यपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मारकण्डे उवाच वां जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गाक्षमा शिवदात्रे स्वाहा सदा नमांसते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते जयवि कालरात्रे नमांसते मधुकेतव विद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि महिषासुरनिर्नासि भक्तानां गमदे नमः रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि रक्तबीजावधे देवि चण्डमुण्डविनाशिने रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मार्जने रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि अजन्तरूपचरित सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि चुवद्भ्यः भक्तिपूर्वन्तं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि चण्डिके दं यतम् अर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि विदेहि द्विजतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमांशयं रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि सुरासुरधिररत्नानिकृष्टचरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि विद्यावन्तं दशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि प्रचण्डवेत्तदर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र सद्धते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि कृष्णनरस्तुते देवि शश्वरवक्त्रा सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि इन्द्राणि परिसर्वां पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि देवि प्रचण्डदोर्दण्डचित्रसर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि देवि भग्नजनोदामा दत्तानन्दजयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जयदेहि विजयदेहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणे चारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवम्
इदम् पठित्वा तु महास्तोत्रम् पठे नरः सातु सप्तयति सङ्ख्या नरना प्रणोति सम्पदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बादम् सप्तयति पादङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मारुकण्डेरवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्रनामभिकेलक सौम्यक्षेमफलाप्नोति सततम् व्याप्यतत्तरः स्वित्यन्तचातनादेनेवस्तोने सकलान्यवे एतेन सुमतम् देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रणशलम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विराजातेन सिद्ध्यत सर्वमुच्चातनादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्करविवाहः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभम् स्तोत्रम् मे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तम् चकारसः समार्तेण च पुण्यस्य तान्यथा वह्नियन्त्रणाम् स्वाभ्यक्षेममवाप्नोति सर्वमेवन्न सन्दयः कृष्णायाम चतुर्दश्याम् अष्टम्याम समाहितः ददाति गणाति नान्यदेशा प्रचेदते एतारूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलामिदायेन यत्र जवलीसद्गुणम् स सिद्धः स गणाश्चापि गन्धर्वो जायते नरः नाशेवाभ्यस्य वयम् वापि जायते नापमृत्योपशम्याति नृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वा न विनश्यते तथा ज्ञात्रैव सम्पन्न इदम् प्रारभ्यते बले स्वभाग्यादिकिञ्च दृश्यते ललनायणे तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदम् शुभम् स्वनेष्टो याप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरक्षकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परमोक्षः श्रूयते स न किम् जने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र मयिगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दते गिरिवरविन्दनिरोदिनि वासिनि विश्वविनाशिनि निष्णते भगवति येजिनि कण्ठकटुम्बनि भोरिकटुम्बनि भोरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रामकपादिनि शैलसुते त्रिभुवन भोजन शङ्कर दोजन गर्वशमोचन गोचरते दर्जन राजन दिशतराजन धर्मदोचन सिन्दसते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चरसुते हय जगदम् पदम् सकलम् रावण प्रियवासिनि आदरते श्रीगिरिशिरोमणि तुङ्गहिमालय चक्षुशालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैष्टवगन्यनि कैष्टववञ्चनि राचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चरसुते ऐ जगण्डविगण्डतरुण्डविजुण्डतजुण्डकजाधिपते त्रिपुगजगण्डविदारणदण्डपराक्रमजुण्डविगाधिपते निजभुजदण्डनिपासितगण्डविपासितमण्डपदाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चरसुते चतुरभिचार दुरे नमः शिव ज्योत
Thank you.
लास्ट पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहसाने प्रियंते हर क्षमया क्षमस्व पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से
माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता की कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, ये तपस्थली ही तपोभूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुहा के अंदर माँ भगवती आदिशक्ति दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी पाप्य का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो भी भक्तजन श्रद्धा युद्ध होकर के इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इन दिव्य पिंडियों के सामने माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती के चरणों में नतमस्तक होते ही माँ के चरणों में नमस्कार करते ही माँ से प्रार्थना करते हैं, उन शरणार्थ भक्तों का इन तीनों देवियों की विशेष कृपा होती ही, तीनों माताओं का महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती का एक साथ उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होते ही, जिस आशीर्वाद से वह भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते ही, उनकी समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती ही। माँ की भक्ति, माँ की पूजा जो है जो वास्तव में सब ओर से कल्याण को देने वाली ही, दुखों को नाश करने वाली ही, सुखों देने वाली ही। सुभद्र भक्ति पूर्वम ताम चंडिके व्याधि नाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो यहि। हे माँ चंडिके, रोगों का नाश करने वाले माँ, जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं, हे माँ आप उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं का नाश करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पर यदि विजय प्राप्त करवाने वाली कोई है तो ये भगवती है, क्योंकि ये भगवती जिन पर कृपा कर देती है उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती है, और जिन भक्तों को इस देवी की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनकी बुद्धि कभी गलत निर्णय करती नहीं। इसलिए जीवन में कभी कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, जो भक्तजन जो है कहते हैं कि जो बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करता है तो ये माँ उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है, उन्हें क्षमा करती है और ऐसा आशीर्वाद देती है कि उन्हें अपने चरणों से लगाती ही, चरणों की भक्ति देती ही, उनका जीवन ही बदल देती ही। अद्भुत चमत्कार होता है जब इस माँ की कृपा हो जाती है। विद्यावंतम जसजवंतम लक्ष्मीवंतम जनों करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। विद्यावंतम, हे माँ आप अपने भक्तों को विद्वान विद्यावान बनाइए। जसस्वंतम, जसस्वी, संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति फैले।
विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनु गुरु और लक्ष्मीवान धन लक्ष्मी से युक्त कीजिए उनको। रूपम देहि यम देहि यशो देहि दिशो देहि, उन्हें यश दो, रूप दो, यय दो, काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं का नाश करो। तो इस प्रकार से जो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, भगवत की जो स्तुति है, जो प्रार्थना है, और जब भी साधक जो है किसी भी संकट में आता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और कई बार देव ऐसी कृपा कर देते हैं कि चलते चलते मार्ग में ही ऐसा कोई संघ प्राप्त जिससे मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। क्योंकि जिनका जी कल्याण करना चाहती है, जिनका जो मंगल करना चाहती है, उनके जीवन में कोई सत्पुरुष सद्गुरु ऐसा भेज देती है कि पता नहीं चलता कि जीवन परिवर्तन कैसे आ गया। ये सब उसी की कृपा होती है। कहते हैं कि एक बार संत महाराज जी थे, बड़े तपस्वी थे, वन में रहते थे, वहीं पर एक जगजन्य जगत माता की आराधना किया करते थे। वन से कंदमूल फल लेकर के अपना जीवन निर्वाह करना, मां की भक्ति करना, अनेक शिष्य उसके वहां पर तप किया करते थे। यही एकमात्र उनका उद्देश्य था कि मां को प्रसन्न किया जाए, मां की कृपा प्राप्त हो जाए। ऐसे तपस्वी संत कहीं के भिक्षक ले नहीं जाना, बस मां की भक्ति करना। ऐसे उपासक ऐसे संत जो थे वन में रहते थे, एक बार भ्रमण करते करते भ्रमण कर रहे थे तो रास्ते में जो है उन्हें एक सोने का सिक्का जो था वह मिला। संत महाराज ने उसे उठा लिया और उठा करके जैसे उठाया हाथ में लिया तो मन में विचार आना शुरू हो। कोई भी आपके पास वस्तु आती है तो आप विचार करना शुरू कर देते हैं, ये मुझे मिली है, इसका मैं क्या करूं, कहां प्रयोग करूं, अपने लिए करूं, दूसरे के लिए करूं, मिली है, किसी की गिरी होगी, ये उचित है अनुचित है, अपने पास रखूं ना रखूं। परंतु संत महाराज जी के मन में ऐसा विचार आया कि सिक्के का सोने के सिक्के का मैं करूं क्या। फिर विचार आया कोई ऐसा गरीब मिले जिसको आवश्यकता हो, उस गरीब को जो है मैं सिक्का दे दूंगा। ऐसा विचार कर करके वह सिक्का लेकर के अपने आश्रम में चला आया, लेकिन दिन रात चिंता हो गई। रात्रि को सोता यही चिंता रहती कि ऐसा व्यक्ति कब मुझे मिलेगा जिसको मैं सिक्का दूं। बड़ी खोज की, परंतु ऐसा गरीब कोई उसे मिला नहीं जो उसका अधिकारी हो सके। कुछ समय बीता, एक दिन प्रातःकाल का समय था, संत महाराज ने स्नान किया, आश्रम के द्वार पर खड़े थे, देखा बहुत सारी सेना जा रही थी, राजा दूसरे राज्य पर जो है आक्रमण करने के लिए सेना लेकर के जा रहा था। तो राजा के देशी संत पर पड़ी आश्रम था तो मन में विचार हुआ क्यों ना इस ऋषि का आशीर्वाद लिया जाए, संत महाराज जी तपस्वी हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं तो जो है विजय प्राप्त हो जाएगी, युद्ध में विजय प्राप्त होगी। और राजा ने सेना को वहां पर रोक लिया और कहा संत महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए सभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे युद्ध के लिए, आशीर्वाद मिलेगा, युद्ध में विजय प्राप्त होगी। तो राजा जो है आश्रम में पहुंचे, संत महाराज जी को प्रणाम किया, संत महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया। तो राय ने कहा महाराज हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं दूसरे राज्य में,
हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। तो संत महाराज जी ने वह सिक्का सोने का सिक्का जो था वो निकाला और राजा के हाथ में दे दिया। और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि संत महाराज ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, ये सिक्का मुझे क्यों दिया है, किस लिए, मेरे पास तो धन लक्ष्य की कमी नहीं, किस चीज की कमी नहीं, राज्य सुखी है, राज्य समृद्धि को प्राप्त है और दूसरे राज्य पर मैं जो है विजय प्राप्त कर करके और राज्य अपने साथ में लाना चाहता हूं। और संत महाराज ने मुझे सोने का सिक्का दिया है। तब राजा ने पूछ लिया, महाराज ये किस लिए मुझे दे दिया। तब संत महाराज ने कहा, महाराज एक दिन मैं ऐसे भ्रमण कर रहा था तो रास्ते में सोने का सिक्का मुझे मिल गया। मैंने उस समय जो विचार किया, मुझे कोई गरीब व्यक्ति मिलेगा तो उसको मैं दे दूंगा। अब तक मुझे कोई गरीब व्यक्ति मिला नहीं और आज जो है आप मुझे मिल गए, क्योंकि संसार में मैंने तुम्हारे जैसा गरीब कोई देखा नहीं, इस संसार में तेरे जैसे मैंने कोई देखा नहीं। राजन तुम्हारा राज्य इतना समृद्धिशाली है, सब प्रकार के सुख हैं, आनंद ही आनंद है, और फिर भी तो दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए और मुझे मिल जाए उस लोभ के लिए जो है आप जी सब कर रहे हो, इसलिए मैंने देखा कि आपसे बड़ा गरीब कोई इस संसार में नहीं। लोभ, लोभ जो है ये व्यक्ति को कहां से कहां तक गिरा देता है, पता नहीं चलता। और जब तक संतोष न हो तब तक व्यक्ति सुखी रह नहीं सकता। जब तक जीवन में लोभ रहेगा तो यकीन मानिए व्यक्ति अपने जीवन में कभी अंतिम श्वास तक बस सुखी हो नहीं सकता। सुख जो है, सुख का मूल ही संतोष है। जो संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं। राजा को ज्ञान हुआ, बोध हुआ कि जो संत महाराज जी वन में रहते हैं तब करते हैं और आनंद में रहते हैं, किसी प्रकार का लोभ नहीं, एक सिक्का मिला वो ही मुझे दे रहा है और मैं जीवन भर इसी काम में लगा रहा, मैंने कभी ऐसा कर्म किया नहीं जिससे मेरे पर लोग सुधर सके, जीवन भर इसी में लगा रहा। और जो वास्तव में जिस लोग में भी कल्याण को प्राप्त हैं, इनका पर लोग जो है कल्याणमय है और ऐसा जो है कृपा हुई, ऐसा आशीर्वाद मिला, अब जो है राजा भाई से वापस लौटे, संत महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी मां की भक्ति करूंगा, क्या उसी के आशीर्वाद से मुझे ज्ञान प्राप्त हुए। तो जब मां जब प्रसन्न होती है तो जीवन ही बदल देती है। इसलिए जो भक्त जन जो है इस जगजननी आदि शक्ति के शरणागत होकर के मां भगवती की उपासना करते हैं, मां की आराधना करते हैं, और जो मां की कृपा से मां के आशीर्वाद से जो प्राप्त है उसको पर्याप्त समझते हैं, क्योंकि एक जीवन का जो सूत्र है यदि इसे आप व्यक्ति समझ ले, जो परमात्मा की कृपा से और भगवती की कृपा से प्राप्त है वह हमारे लिए पर्याप्त है। हम इस योग्य नहीं थे, हम इस काबिल नहीं थे जिस काबल आपने बनाया, इस योग्य नहीं थे जो योग्यता आपने हमें दी, जो हमें मिला है इस लायक हम नहीं थे, तो भी आपने हम पर कृपा की, इस प्रकार से आनंद से हमारा जीवन चल रहा है। हे मां इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, इसलिए जो जिसको प्राप्त है उसे वह पर्याप्त समझता है तो उसका जीवन सुखी है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो पाएगा और उसके जीवन में कभी कमी भी नहीं आती। जो जो जिस चीज की समय समय पर जो है आवश्यकता होती है उसका पता नहीं चलता कैसे वह परिपूर्ण हो रही है। व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, हर समस्या का समाधान होता जाता है, परंतु एकमात्र जो है उसके शरणागत होकर के जो भक्त जन जो है अपने इष्ट पर भगवती पर जो है विश्वास रखते हैं,
कभी जीवन में दुख भी आए विपत्तियां भी आए तो भी समझे माँ ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जब कष्ट भी देती है तब भी समझाती है, माँ जब मुंह पर थप्पड़ मारती है तो वहां पर बच्चे की गलती होती है, उस गलती को सुधारने के लिए भाई दंडित करती है। दंड में भी जो है कल्याणी होता है। इसलिए जो भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते माँ से प्रार्थना करते हैं, उन पर माँ की ऐसी कृपा होती है, उन्हें जो ऐसा ज्ञान देती है, ऐसी सद्बुद्धि देती है, ऐसे जो है संतोष रूपी उन्हें धन देती है कि उनके जीवन में कभी कष्ट कोई दुख कोई परेशानी आती ही नहीं, और कभी आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता आए कैसे और चली कैसे की। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्यर्जित करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। आज द्वादशी युग त्रयोदशी ही और भूम प्रदोष व्रत है, बड़ा ही उत्तम दिन है, और ऐसे पवित्र वेला में ऐसे पवित्र स्थान पे आकर के आरती के समय जग जन जग माता के चरण में बैठ करके भगवती की कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ ही, जो धर्म कर्म करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ ही, क्योंकि जो जगजन्य जगत माता जिसके चरणों में बैठे हुए हैं इसके चरणों में 33 करोड़ देव देवता जो हैं, कहते कि आरती के समय अपने रूप बदल करके माँ के चरण नतमस्त होते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। जब जब भी देवता पर कष्ट आते हैं तो माँ के शरणक धोकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, और जय भगवती उस संकट काल में समस्त देवताओं की रक्षा करती है। वह भगवती आदिशक्ति माता महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती प्रसन्नता पूर्वक हृदय से आप शरणंद भक्तों को वरदान दें, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। आप जो भी मन की कामना लेकर के आए हैं वह भगवती आपके मनोरथ को पूर्ण करें। इसी तरह से अपने चरणों से आपको लगाए रखें, अपने चरणों की आपको भक्ति दें, आपका वंश आपका परिवार फले फूले आगे बढ़े और भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ कल्याण को प्राप्त हो, ऐसी माँ की इन तीनों दीयों की आप पर कृपा हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। तीनों शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंदर सिंह मां के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना सा मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री मनिंदर जी जय करा शिरोमणि जी का। बोलो सच्चे दरबार की जय। निजर जधारी पा म पधारी सा शेरवाली कृपा कीजिए, शेरवाली कृपा कीजिए, हाँ शेरवाली कृपा कीजिए।
ताली सभी हाथों के लगा ढीली ताली नहीं ताली की आवाज मां के दरबार तक पहुंचे देवघर सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी मां के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए आज सभी ऊपर मां भगवती मां भक्तों ने हाजिर स्वीकार करें आपके झोलियां भरे आपके मर्यादे पूरे करें आपका जीवन खुशियों से भर दे ताली से सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है आपे इस में रहा कीजिए माँ आपे इस में रहा कीजिए माँ आपे इस में रहा कीजिए माँ आपे इस में रहा कीजिए जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ जब जब तेरा भजन करूं जब जब तेरा भजन करो सामने आए और सच्ची भक्ति का वर दीजिए माँ 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 ओ शेरों वाली कृपा कीजिए हूँ रातों को तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को तुम दिल में मत लेना मेरी इन बातों को मैं तो एक पागल हूँ जगता हूँ रातों को तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को तुम दिल में मत लेना इन बातों को तुम दिल में मत लेना इन बातों को जो भी मन में हो वो कीजिए
बंधन से तुम मुझको निकालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ, माया के बंधन से मुझको निकालो माँ। मैं तेरा बेटा हूँ तुम मुझको संभालो माँ, माया के बंधन से तुम मुझको निकालो माँ, माया के बंधन से मुझको निकालो माँ, माया के बंधन से मुझको निकालो माँ। इतना तो करम कीजिए माँ, 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 हो शेर वाली कृपा कीजिए हाँ, शेर वाली कृपा कीजिए माँ, हो शेर वाली जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। इस जग की चाहत ने मुझको मिटाया फिर भी तेरा नाम जुबां पर न आया। इस जग की चाहत ने मुझको मिटाया फिर भी तेरा नाम जुबां पर न आया। गुनहगार हूँ मैं हजार हूँ मैं तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। गुनहगार हूँ मैं हजार हूँ मैं तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं जो
की दाती है तू कुल जहां में, मगर झोलिया आगे फैलाऊ मैं कैसे। ये माला की दाती है तू कुल जहां में, मगर झोलिया आगे फैलाऊ मैं कैसे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के बाद नहीं हो। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो तेरी महिमा मैंने न जानी। तुमने अदा की मुझे न जानी, मगर तेरी महिमा ये मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हुई इतना कि कर्जा चुकाने के काब नहीं। कर्जदार तेरी दया का हो इतना कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का यही है कि सिर को झुका लूं, तेरा दर्शन कबार दिल में न पालूं। तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, तेरा दर्शन कबार दिल में न पालूं। सिवाय भी चढ़ाने के बाद नहीं हो। दीवारों की है मेरी मैया, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काब जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे नाम दी जपा मैं माला आला, तेरे नाम दी जपा मैं माला, बोल शेरा वाली कर कृपा। तेरे नाम दी
शीतल तेरे नाम दी जपा मैं माला तू शेरा वाली कर कृपा तेरे नाम दी ये सब कलियां फूल दे तेरे तू बागा दी मलीबा ये सब कलियां फूल दे तेरे गांधी माली मां तेरी कदिया विच है पतझे करम कमावन वाली मां ओ तेरी बगिया विच है पतझे करम कमावन वाली मां चोली में मात जवाना दाते भरो चोली मुझे वाली कर कृपा तेरे नाम दी मुझे जपा मैं माला माला तेरे नाम जपा मैं माला मुझे वाली कर कृपा तेरे नाम दी तेरे नाम दी जपा मैं माला माला तेरे नाम दी जपा मैं माला खुशरा वाली कर कृपा तेरे नाम दी हर मंदिर दे विच भवानी आके करो बसेरा ओ हर मंदिर दे विच भवानी आकर करो बसेरा मोती बन जावे मां मेरा चंचल खेल निराला तेरा चंचल खेल निराला ओ शेरा वाली कर कृपा तेरे नाम दी जपा मैं माला माला तेरे नाम दी जपा मैं माला खुशरा वाली कर कृपा तेरे नाम दी तेरे नाम दी जपा मैं माला माला तेरे नाम दी जपा मैं माला खुशरा वाली कर कृपा तेरे नाम दी सच्चे दरबार की जय। तो भी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी।
जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मैं उच्चे मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चे मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चे मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चिया मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, मैं उच्चे पवना वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चे पवना वालिए करने दर्शन तेरे, माया जा शेरा वालिए करने दर्शन तेरे, आजाए रवालिए करने दर्शन तेरे, ओ लाई कानू तेरे, लाई कानू तेरे, ओ लाई कानू तेरे, लाई कानू तेरे, माँ करने दर्शन तेरे, करने दर्शन तेरे, ओ करने दर्शन तेरे, करने दर्शन तेरे, ओ उच्चे पौना वालिए माँ करने दर्शन तेरे, मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चे पवना वालिए करने दर्शन तेरे, प्यारी प्यारी संगता ने पवन सजाया, प्यारी प्यारी संगता ने पवन सजाया, पवन सजाया तेरा पवन सजाया, पवन सजाया तेरा पवन सजाया, कईया ने आके मैया छतर चढ़ाया, कईया ने आके मैया छतर चढ़ाया, छतर चढ़ाया तेरा छतर चढ़ाया, छतर चढ़ाया तेरा छतर चढ़ाया, लगे मेले तेरे, लगे मेले करने दर्शन तेरे, करने दर्शन तेरे, बिच पहाड़ा वालिए करने दर्शन तेरे, बिच पहाड़ा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चे मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चे मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चे सर मरुए दा मत्थे तिलक लगाइए, सर मरुए दा मत्थे तिलक लगाइए, तेरी चुन्नी नू मां गोटा लगाइए, तेरी चुन्नी नू मां गोटा लगाइए, थोड़ी कदू मेरे, थोड़ी कदू मेरे, मां करने दर्शन तेरे, करने दर्शन तेरे, ओ बिच पहाड़ा वैदिए करने दर्शन तेरे, बिच पहाड़ा वैदिए करने दर्शन तेरे, सारी सारी रात मैं ता जोता जगावा, सारी सारी रात मैं ता जोता जगावा, थक गईया अखियां मां तक तक के रावा, थक गईया अखियां मां तक तक के रावा, के सवेरे के सवेरे मां करने दर्शन तेरे, करने दर्शन तेरे, जगदियां जोता जगदियां जोता जाओ, जगदियां जोता वालिए तेरे दर उत्ते माए भेटा सुनावा, तेरे दर उत्ते माए भेटा सुनावा, भेटा सुनावा तेरिया भेटा सुनावा, भेटा सुनावा तेरिया भेटा सुनावा, रज रज माए तेरा दर्शन पावा, 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 भाग मेरे भाग जगाते मेरे, भाग जगाते मेरे, भाग जगाते मेरे, ओ लाई कानू तेरे, लाई कानू तेरे, ओ करने दर्शन तेरे, करने दर्शन तेरे, ओ उच्चे पौना वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चे मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, उच्चे मंदरा वालिए करने दर्शन तेरे, मां करने दर्शन तेरे, करने दर्शन तेरे, मां करने दर्शन तेरे, करने दर्शन तेरे, ओ करने दर्शन तेरे, करने दर्शन तेरे,
करने दर्शन तेरे, हो करने दर्शन तेरे माँ। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आरोड़ा सिद्धांश भ्रमत जगण दक्षिण चाक सूत्र वामे हस्त दिभ्याम्र कंकमयम पुस्तकं जनगम्य सभिन हृदयंत स्वकर कृजबे शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीड़ंत दिव्य रूप कर कमल धरा भरती सुप्रसन्न सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरायण उत्तरगोल बसंत ऋतु चैत्र मास की आज 20 प्रविष्ट है। कृष्ण पक्ष आज द्वादशी तिथि ही, आज द्वादशी तिथि 8:39 तक रहेगी, उसके उपरांत त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। आज भूम प्रदोष व्रत भी है। मंगलवार तदनुसार 2 अप्रैल सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तों को माँ भगवती की असीमण कंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सताम सत्वी संगा कथे पुण्यान भवती, सत्संग का प्राप्त होना जे बड़े ही पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होता है, जिस प्रकार मनुष्य जीव को प्राप्त होता है। इसमें जग जनने की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान संतते भवन भव शर्मांजसस्वे भव प्रज्ञाभवन भव भूर्भूतकरणे धान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पूजनरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्मारोग्यमाविदत् शोमानम हीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमाजो अस्तु दीर्घमाजो। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हुए। ॐ जय अम्बे गौरे मैया जय श्यामा गौरे मैया जय Oh,
सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोले सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी
दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, सम्मिलित करके बोलना। ओ देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन महाभगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Thank you.
खड़गम चक्र गदेषु जाप परिगां चूलंब शुण्डिं शिरा शङ्खं स्वर्णदिङ्गदेशमेण सर्वाङ्गभूषामृतां नीलाशमृतिमाशपाददशकां देवे महाकालिकां यामस्तो सविदेहरो कमलजो अन्तं मधुकेतवम् अक्षस्रपरशुं गदेषु परशम् पदमं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमसिं च चर्मचरजं घण्टासुराभाजनं शूलं भाजतुरशरेतुदरति हस्ते प्रसन्नानना सेवे तेरोमर्जनी लक्ष्मी सरोजसुता घण्टा शूलहलानि जङ्कुसुले चक्रं धनुसायनम् अस्ताब्जेजिङ्गणान्तविलसं शीताशतुल्या प्रभा गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगदा आधारभूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे कुम्भाभिदत्यादिनी त्वमेव माता शिला त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या कविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगमं वन्दे विष्णो भावरं सर्वलोकेकनाथं अद्भुतं केशवं रामनारायणं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रि हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल मदन किशोर ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच फुलारानी माता तेरी सदा सर्वसदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा लोमकड़ा भीर डाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जाओ धर्म की जाओ धर्म की जाओ अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष 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 बोलो हरे हर हर महादेव बोलो बाबा शिव की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा माँ शेरावालिदा बोलो आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की जय जय माता दी Om Namah Shivaya.
Thank you.